So hello guys, welcome back to my channel all about Alisha and this is me Alisha. So मैंने आज ये look recreate किया है, आलिया भट्ट का look है. ये look कैसा लग रहा है मुझ पर आप लोग मुझे बताइए. So जो आलिया भट्ट की pic है, so उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा ही makeup किया है. मैं आपको zoom करके दिखाऊँ. So उनकी थोड़ी हैवी आईब्रोज है, उन्होंने एक बिंदी लगाई है एंड काफ़ी डार्क आई मेकअप है. एंड आई मेकअप में उन्होंने ज़्यादातर सिर्फ डार्क कलर का आई लाइनर लगाया एंड नीचे की जो आई लैश है उस पर उन्होंने सिर्फ काजल लगाया, उसको स्मोक आउट किया है. सो उनकी काफ़ी सारी पिक्स थी. सो काफ़ी सारी पिक्स में लिपस्टिक अलग अलग थी, किसी में काफ़ी न्यूड है एंड किसी में काफ़ी डार्क है. सो एडिटिंग से भी हो सकता है. सो जब मैंने गूगल पे सर्च किया सो काफ़ी सारी अलग अलग कलर की लिपस्टिक थी उनके लिप्स पे. सो मैंने चूज़ की है ये पिंक कलर की लिपस्टिक लेकिन इस पिक में उनका काफ़ी ज़्यादा न्यूड लिप्स हैं. एंड एक और पिक है, मैं आपको दिखाती हूँ. एंड सो उनकी ये जो दूसरी पिक है उसमें इनका जो लिप कलर है सो काफ़ी डार्क है. सो इसलिए मैंने थोड़ा सा दोनों का कॉम्बिनेशन रखा, लिटिल डार्क एंड लिटिल न्यूड काइंड ऑफ पिंक कलर अप्लाई किया है अपने लिप्स पे. सो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ईयरिंग्स भी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ. सो उन्होंने इसी तरह के कुछ बड़े बड़े ईयरिंग्स भी वेयर किए थे. सो मैंने पूरी कोशिश की है उनकी तरह अपना लुक रिक्रिएट करने में. सो मैं अपने फुल आउटफिट की वीडियो अभी डाल दूँगी. सो आपको ये लुक कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए. देन इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर. ये NYX का लिक्विड हाइलाइटर है, बॉर्न टू ग्लो. सो इस लुक में आलिया भट्ट का काफ़ी ज़्यादा जो लुक है, मेकअप है वो डूई है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी. यूजुअली अपने प्लेसेस पे जहाँ पे मैं हाइलाइट करती हूँ, जैसे कि हमारी चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड थोड़ा सा फोरहेड पे. सो अगर आप इतना कॉस्टली नहीं लेना चाहते सो आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लिक्विड हाइलाइटर स्विस ब्यूटी का एंड 200 अराउंड समथिंग में आपको वो मिल जाएगा. सो इसके बाद मैं लगाऊंगी. सो इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर एंड ये लॉरियल का प्राइमर है, लॉरियल मैजिक ट्रांसफॉर्मिंग स्मूदिंग प्राइमर. सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है एंड प्राइमर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पोर्स को लॉक कर देता है एंड फेस के अंदर जाने नहीं देता बिल्कुल भी जो डर्ट है या फिर हमारे मेकअप को जिससे हम. सो मैंने अपने प्राइमर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपनी स्किन में और जो हमारा मेकअप है काफ़ी मैंने यूज़ किया था लॉरियल का प्राइमर. अब मैं अपने फेस पर एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लगाऊँगी फाउंडेशन. सो मैं थोड़ा सा लाइट शेड का फाउंडेशन लगाती हूँ बिकॉज थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो मेरे स्किन टोन का ही हो जाता है. सो ज़्यादातर काफ़ी सारे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, 80% फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. कुछ ही फाउंडेशन आते हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं होते. सो इसलिए मैं थोड़ा लाइट शेड लगाती हूँ. फिर मैंने पहले स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अपने फेस पर पूरा अप्लाई कर लिया था एंड फिर मैंने एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है एंड फिर अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैपिंग मोशन में कर करके ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. सो अच्छा खासा टाइम देके आप अपना जो बेस है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. सो आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर आपको जो अच्छा लगता है एंड बाकी सारे आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका स्किन टोन हो. सो बस आप काफ़ी अच्छे से अपना जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड करिए. मैंने ओले का फाउंडेशन यूज़ किया था एंड काफ़ी सारे फाउंडेशन है मेरे पास. सो मैंने थोड़ा लाइट शेड लगाना था इसलिए मैंने ओले का यूज़ किया था. वैसे आप मेबलिन फिटमी का यूज़ कर सकते हैं जो सुपर स्टे वाला, एंड फिटमी भी ठीक है, सुपर स्टे वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. फिर मैंने कंसीलर लगाया था, ये स्टिक कंसीलर है. सो मैंने अपने उसी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको लगा लिया था यूजुअली प्लेसेस पे जहाँ मैं लगाती हूँ, जैसे कि अंडर आईज पे, अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पे एंड फोरहेड पे एंड चिन पे. एंड मैंने
अपनी थोड़ा सा नेक में भी लगा लिया था बिकॉज़ ये जो है सो बिकॉज़ ये स्टिक फाउंडेशन है सो इसको मैंने एज वेल एज अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लिया था एंड मैंने अपने फाउंडेशन ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था अपने जहाँ जहाँ मैंने लगाया था अपने फेस पे एंड देन अपने नेक पे भी। सो थोड़े से यार मुझे परेशान कर रहे थे, फिर मैंने अच्छे से अपनी नेक पे अपने शोल्डर के पास जहाँ जहाँ भी मैंने लगाया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था एंड देन अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो वैसे भी जो कंसीलर है वो हम कुछ ही प्लेसेस पे लगाते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा हाईलाइट चाहिए रहता है एंड अगर हमारे कोई भी मार्क्स वगैरह है सो आप उसको हाइड करने के लिए लगा सकते हैं। देन मैंने अपनी आईलेट पे लगा के ब्लेंड कर लिया था इसको। सो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था एंड फिर अब हम करेंगे कंटूरिंग। सो जो आलिया भट्ट का फेस है वो काफ़ी ज़्यादा इस पिक में काफ़ी ज़्यादा उनका शार्प कंटूरिंग हुई है। सो मैंने भी अपना एलिगल प्रो का यूज़ किया था कंटूर ब्लेंड करने के लिए, फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। सो उसके बाद हम करेंगे बेकिंग। सो अगर कोई भी लुक अगर आपको ज़्यादा टाइम तक के लिए करना है सो आपको बेकिंग करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जैसे कि अभी समर आ गए हैं सो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट होने लग गया है हमारा जो मेकअप है सो इसीलिए बेकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, वरना आप सिर्फ कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर को लेके सिंपली आप उसको अपने फेस पे लगा सकते हैं, वरना आप बेकिंग भी कर सकते हैं कोई भी लूज़ पाउडर को लेके। एंड देन अब हम करेंगे अपने आईब्रोज। सो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी आईब्रोज जो काफ़ी थिक आईब्रोज हैं आलिया भट्ट की इस लुक में। सो मैंने पहले अपनी जो आईब्रोज है उनको शेप दिया था एंड देन उसको फिल अप कर लिया था। सो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही किया था बिकॉज जो उनकी आईब्रोज थी वो काफ़ी ज़्यादा थिक थी सो इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छे से लुक लाने के लिए किया था। एंड फिर अब मैं इसको स्पूली से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जहाँ भी मुझे कलर कम या ज़्यादा लगेगा सो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। सो मैंने अभी सिर्फ ब्लैक कलर ही यूज़ किया था एंड मैं जो फ्रंट होता है वहाँ पे अब यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर। सो ये डार्क ब्राउन कलर लेके एक ब्रश में जिसका जो टिप है थोड़ा सा एंगल हो सो आप उससे कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। सो मैंने अच्छे से ऐसे कर करके अपर डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ की थोड़ा थोड़ा सा एंगल बना के मैंने अच्छे से अपनी पूरी आईब्रोज को फिल कर लिया था। सो अब मैं कर लूँगी अपनी आईब्रोज को क्लीन। सो मैंने एक कंसीलर ब्रश लिया था एंड फिर अच्छे से, अगर आप लोगों को इन सारे ब्रशेस की रिव्यू चाहिए मैं कौन से यूज़ करती हूँ सो मैं जल्दी से ही इसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। सो मैं अपनी दोनों आईब्रोज को क्लीन अप कर ले रही हूँ सो जो लुक है एकदम अच्छा सा क्लीन आए। सो मैंने यूज़ किया है एले गर्ल का कंसीलर, आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और ज़्यादातर आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही कंसीलर यूज़ करें इन सब चीज़ों के लिए सो ज़्यादा सही रहता है, या फिर आपने जो भी जैसा भी फाउंडेशन यूज़ किया है। फिर अच्छे से कंसील करने के बाद अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। सो मैं एक टेंजेंट ब्राउन कलर लेके ऑरेंजिश है थोड़ा डार्क ऑरेंज है उसको लेके अपनी क्रीज पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी क्रीज पे। सो थोड़ा थोड़ा मैं फिंगर से भी करती जा रही हूँ सो फिंगर से काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड सही से हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं सो आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से ब्रश से अप्लाई करना नहीं आता सो मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि फिंगर से भी अप्लाई हो जाता है। सो मैंने दूसरी आईलिड पे भी अच्छे से क्रीज कर लिया था, क्रीज पे लगा लिया था अपने इस कलर को। सो इसके बाद अब हम लेंगे एक फ्लैट शेडर ब्रश में आप लिप
जो हमारा लिप लाइनर वाला ब्रश होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी एकदम छोटा ब्रश हो। सो मैंने यूज़ किया था मेरा मेबलिन का जो जेल आई लाइनर है, उसमें से जो ब्रश आया था उसकी टिप काफ़ी छोटी सी और पतली सी थी। सो उससे आप ब्लैक कलर को लेके एक आई लाइनर टाइप का ड्रॉ कर लें कलर से, एंड देन उसको अच्छे से जो आप उसको स्मोक आउट कर लें। आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, थोड़ा सा मेरे आँख में लग गई थी। सो थोड़ा थोड़ा बिल करके कलर आप उसको लगाएं एंड फिर स्मोक आउट कर लें अपने फिंगर की हेल्प से, या फिर आप कोई भी ब्रश भी ले सकते हैं। सो फिंगर की हेल्प से भी अच्छे से स्मोक आउट हो जाता है जितना हमें चाहिए है। सो नीचे भी मैं यही ब्लैक कलर को लेके अपनी नीचे की लैश लाइन पे लगाऊंगी और थोड़ा थोड़ा उसको उसी ब्रश से स्मोक आउट करती जाऊंगी। सो अब मैं दूसरा थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश लेके, ये फ्लफ़ी एंगल ब्रश है, उसको लेके अच्छे से जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है मीन्स जो ब्लैक लगाया है उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। सो जो आलिया भट्ट हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड है। सो थोड़ा थोड़ा मेरे आँख में लग जा रहा था पता नहीं क्यों। सो इसके बाद मैंने जो बेकिंग के लिए लूज पाउडर लगाया था उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी एंड जो एक्सेस पाउडर है उसको निकाल दूंगी एंड बाकी को अपने स्किन में ब्लेंड कर लूँगी। सो अब हम ड्रॉ करेंगे आई लाइनर। सो इस लुक में जो आलिया भट्ट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थिक आई लाइनर ड्रॉ किया है और कोई भी विंग नहीं है उनके आई लाइनर में। सो मैं भी उन्हीं की तरह एक थिक आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी अपनी दोनों आईज़ में। एंड उन्होंने इस लुक में जो लोअर लैश लाइन है उसमें काजल लगा के काफ़ी अच्छा सा काजल लगा के उसको स्मोक आउट किया था। सो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे अच्छे से काजल लगा लिया है। अब मैं उसको एक ब्लैक कलर थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके अपनी ब्लेंडिंग ब्रश में ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे जैकलिन हिल का पैलेट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैलेट है एंड सिर्फ एक ही पैलेट से आपका सारा कुछ काम हो जाएगा, आपको और ज़्यादा कोई भी पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मैंने एक एंगल ब्रश लेके अच्छे से अपने काजल को स्मोक आउट कर लिया है एंड जो ब्रश जिससे मैंने आईब्रो ड्रॉ की थी अपने उसी ब्रश को यूज़ किया है। देन मैंने अपने जो मैंने क्रीम कंटूरिंग यूज़ की थी फिर उसके बाद मैंने पाउडर कंटूर से अच्छे से अपने फेस को सेट कर लिया। मैंने थोड़ी ज़्यादा कंटूरिंग की है बिकॉज आलिया भट्ट का फेस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनके फेस पे कंटूरिंग हो रखी है इस लुक में। इसीलिए मैंने थोड़ा एंड मुझे अपना जो छबी फेस है उनके जैसा स्कल्पिंग बनाना था तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी ज़्यादा कंटूरिंग करनी पड़ी। देन फिर मैंने अपनी आई लैश को कर्ल किया है कर्लर की हेल्प से। देन मैंने यूज़ किया है फेसेस कनाडा का ये मैग्नेटिक आई मस्कारा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, मुझे काफ़ी पसंद है एंड मेरे साथ ऐसा होता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मस्काराज हैं। मैं उसका रिव्यू कर चुकी हूँ बट मेरा जो फेवरेट हो जाता है मैं ज़्यादातर लुक में उसी को लगाती हूँ, बट मैं उसको चेंज करूँगी जल्दी ही एंड अपने नेक्स्ट लुक में कोई और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करूँगी। मैंने अच्छे से जो मस्कारा है उसको अप्लाई कर लिया था अपनी लोअर लैश लाइन पे एंड अपने ऊपर। एंड देन फिर जो लुक में उनका जो आई लाइनर था वो काफ़ी ज़्यादा रेड ब्लैक था, मैंने अपनी आई लिड पे लगाया है थोड़ा सा मेबलिन का जेल आई लाइनर अपने आई लाइनर के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लैक जो लुक है वो आ गया था। देन मैंने लगाया है थोड़ा सा पिंक एंड पीच कलर को मिक्स करके ब्लश एंड हाइलाइटर, ये मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से मैंने हाइलाइटर लगाया है। उनका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करा है मीन्स काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ है उनके फेस पे। देन उनकी जो लिपस्टिक थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी मीन्स मैंने दो तीन पिक्स देखी थी गूगल पे
तो अलग अलग लिपस्टिक थी उनकी लिप्स पे, मीन्स एडिटिंग भी हो सकती है, बट इसीलिए कहीं उनकी जो लिपस्टिक थी एकदम न्यूड थी एंड कहीं काफ़ी ज़्यादा पिंक थी, सो मैंने डार्क पिंक को एंड लाइट पिंक दोनों कलर को मिक्स एंड मैच करके एक थोड़ा सा डार्क पिंक एंड न्यूड काइंड ऑफ अ कलर बना लिया था। सो काफ़ी अच्छा कलर बन गया था। ये भी किए थे एंड उनकी तरह काफ़ी ज़्यादा मेकअप किया है एंड उन्होंने भी कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं की थी, सो मैंने भी सिर्फ सिंपल मस्कारा अप्लाई किया है अपनी आईलैश को कर्ल करके। सो ये है मेरा फाइनल लुक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए एंड मुझे हेल्प कीजिए मेरे सब्सक्राइबर गेन करने में, बिकॉज मेरा चैनल अभी काफ़ी न्यू है, सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सो आप लोग ही मुझे हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।